हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइन करने वाले हैं फ्लेयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। तो चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप में। तो ये मेरे पास इमेज है, तो हम एक न्यू फाइल लेते हैं जिसका नाम फ्लेयर डिज़ाइन रखते हैं और उसकी विड्थ 210 एंड हाइट 297 एंड रेजोल्यूशन हम रखेंगे 300। तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट खुलकर आ चुका है। अब हम इस पर ये वाली इमेज लाएंगे। तो ये इमेज मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें सेट करते हैं इनकी जगहों पर। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे। तो टेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा मैंने किस फ़ॉन्ट से कौन सा टेक्स्ट लिखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख के वो वहाँ से पता लगा सकते हैं। और मैं इसकी स्पीड आपको बताए तेज़ कर देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट तो हर कोई लिख लेता है, तो इस वजह से मैं ये तेज कर देता हूँ। पिज़्ज़ा लेयर को हम सिलेक्ट करते हैं और इसमें डालते हैं स्ट्रोक, और स्ट्रोक हम चेंज करते हैं इसका कलर ये वाला, ओके कर देंगे और इसको इनसाइड में रखेंगे। और स्ट्रोक की विड्थ होगी 9 पॉइंट, इसका फिल हम 0 कर देंगे, तो ये ऐसा बनकर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो पॉलीगोनल टूल, टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर 3 स्लाइड होनी चाहिए, तो ये ट्रायंगल बनकर आ जाएगा। अब इसका हम फिल बंद कर देते हैं और स्ट्रोक हम ओपन रखते हैं, और स्ट्रोक की विड्थ 5 होगी। तो इसको मैं पहले रेस्टराइज कर लूँगा, रेस्टराइज लेयर। अब मैं सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाऊँगा और यहाँ से इसे एडिट में जाकर क्लियर पर क्लिक कर दूंगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब सिलेक्ट में जाएंगे डिसलेक्ट कर, तो अब हम इसे एडिट में जाएंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे और इसे कुछ ऐसा करेंगे। फिर दोबारा से इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको शिफ्ट दबाकर हम इसे घुमाएंगे, तो ये सीधा हो जाएगा। अब इसका हम उठाकर यहाँ पर ले आते हैं और ऑल्ट दबाकर इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक शेप बनाएंगे, तो रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक शेप बनाएंगे लाइन की जैसी। तो इसका कलर हम वाइट रखते हैं और इसको हम और एडिट में जाकर इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इसकी एक और हम डुप्लीकेट लेयर लेंगे, तो इस पर हम ऑल्ट दबाकर इसको ड्रैग करेंगे, तो एक कॉपी बनकर आ जाएगी हमारे पास। तो इन सबको आप सिलेक्ट करते हैं और इनका एक ग्रुप बनाते हैं नीचे ड्रैग करके यहाँ पर, तो ये ग्रुप बन चुका है, इसका हम नाम कुछ भी रख देंगे। तो अब एडिट में जाकर फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे और इसको कुछ ऐसा कर लेंगे। अब ये जो लेफ्ट और राइट वाले शेप हैं, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और एडिट में जाकर फ्री ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसको हम डिलीट मार देते हैं। और इसकी हम एक और कॉपी लेते हैं ऑल्ट दबाकर,
यहाँ पर ड्रैग करते हैं तो ये कॉपी बनकर आ रही है। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप को और जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है इनको, और इनको हम सेंटर अलाइन कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएंगे। अब इनको हम ऊपर लाते हैं और इसका हम स्ट्रोक का कलर चेंज कर लेते हैं, क्रीम सा कलर रखते हैं सब फॉन्ट का। अब हम पेन टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक शेप बनाते हैं। एक क्लिक यहाँ पर हमने किया और एक क्लिक यहाँ पर करेंगे। क्लिक करते के साथ हमें ड्रैग करना है और यहाँ पर हमें ऑल्ट दबाकर क्लिक करना है। तो इसका हम फिल बंद कर देंगे और स्ट्रोक हम इसका ओपन कर देंगे। स्ट्रोक का कलर वाइट रखेंगे तो ये कुछ ऐसा डिज़ाइन हो जाएगा। तो हमारी जो लाइन वाली शेप है डैश वाली, इसकी हम एक और डुप्लीकेट लेते हैं और यहाँ पर ड्रैग करके ले आएंगे। एडिट में जाएंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे और इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। राइट क्लिक और इसको अब हम करेंगे रेस्टराइज लेयर। अब इसकी हम एक सिलेक्शन बनाएंगे और इसी लेयर पर रहते हुए हम इसको क्लियर पर क्लिक कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्लियर करने के लिए हमें लेयर को रेस्ट्राइज करना पड़ता है, वरना तो ये कुछ काम नहीं करेगा इसका। अगर आप क्लियर करना चाहोगे इसे नहीं होगा। तो यहाँ पर एक और शेप बनाते हैं हम पेन टूल से। और इसका हम फिल बंद कर देते हैं और स्ट्रोक का जो स्टाइल है वो चेंज करेंगे डैशेस वाला। तो अब हमारा जो सेंटर का टेक्स्ट है इनको हम सिलेक्ट करते हैं और ग्रुप बनाते हैं इनका और रख देते हैं नाम इसका पिज्ज़ा नेम। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।